नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर हम आपसे पूछें कि मोदी कैबिनेट में ऐसे कौन से मंत्री हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए पहचान बना चुके हैं, जिनकी विरोधी भी तारीफ करते हैं, निश्चित तौर पर आपका जवाब नितिन गडकरी ही होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका काम जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। देश में सड़कों का जाल बिछाकर, जगह जगह हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाकर कनेक्टिविटी बेहतरीन करने के साथ साथ लोगों का वक्त बचाने का क्रेडिट गडकरी को ही जाता है। वैसे गडकरी विकास करने में तो एक नंबर है ही, बात करें उनकी हाजिर जवाबी की तो वो भी लाजवाब है। जब भी कभी गडकरी से कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उसका ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुनकर विरोधी भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। अब जैसे हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक पर बड़ा तगड़ा बयान दिया। गडकरी ने बयान नागपुर में दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर आगे बढ़ते हुए पहले शिंदे गुट को अपने साथ मिलाया और उसके बाद अब एनसीपी का अजीत गुट भी अपनी तरफ कर लिया है। इसी सियासी फेरबदल के बीच गडकरी ने मराठी में बोलते हुए कहा, अपने देश के लोग दुख के महासागर में डूबे हैं। विधायक नहीं बनने से नगर सेवक दुखी हैं, मंत्री नहीं बनने से विधायक दुखी हैं, अच्छा विभाग नहीं मिलने से मंत्री दुखी हैं। जो मिला है उसी में संतोष मान लेना बेहतर है। मंत्री बनने के इच्छुक अब अवसर खो जाने से दुखी हैं। सब इच्छुक पहले सूट बूट बनवाकर तैयार थे, अपना नंबर लगने का इंतजार कर रहे थे, अब वो सूट वैसे ही रह गया है। उनकी समस्या है कि सूट का क्या किया जाए, सूट बूट पहने रह गए, दूसरे आकर मंत्री बन गए। गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मंत्रिमंडल की संख्या की सीमा तय है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इसलिए जितनी मुराद पूरी नहीं होती वो असंतुष्ट ही रहते हैं। किसी हॉल में तो क्षमता से ज्यादा लोग आ सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं हो सकता, वहां तय संख्या में ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। गडकरी के इस बयान की इतनी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो उन राजनीतिक दलों का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटे जो उनकी अपनी ही पार्टी का समर्थन कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि गडकरी के इस बयान को अगर पीएम मोदी सुनेंगे तो मंद मंद मुस्कुराएंगे जरूर। बहरहाल गडकरी के बयान पर अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।